साथ दोनों साइड में भी ठीक है। मुहर्रम खत्म हो गया है और गोरखपुर का माहौल भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों ने सपोर्ट बहुत अच्छा किया, प्रशासन ने किया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं गोरखपुर की आवाम का, गोरखपुर की जनता का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुझे सपोर्ट किया और हर साल की तरह, मैं ये नहीं कहूँगा इस साल ही किया, हर साल वो लोग सपोर्ट करते आए हैं। इस साल भी बहुत भरपूर मुझे सपोर्ट हर वर्ग के लोगों की तरफ से मिला है, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक प्रशासन का आपने सवाल कहा था, प्रशासन का भी इस वक्त बहुत अच्छा सहयोग रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की हो या पुलिस प्रशासन हो या नगर निगम रहा हो या बिजली वगैरह विभाग रहा हो, सबों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, उसके लिए मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, माहौल इस तरह का था और बरसात का मौसम था, उसके बाद भी आवाम बहुत बड़ी तादाद पे रोडों पे आपको देखने के लिए आई, उसके लिए आवाम के लिए क्या मैसेज है आपका? जी देखिए, मैं आवाम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सख्त मौसम में कभी बरसात तो कभी धूप से चिलाती हुई धूप और गर्मी उमस, लेकिन उसके बावजूद आवाम जो है वो कहीं से टस से मस नहीं हुई, अपनी जगह खड़ी रही और उसने पूरा जुलूस का भरपूर सहयोग किया। मैं आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा। नमस्कार, अभी हम लोग मौजूद हैं मियाँ साहब जी के हाथे में और यहाँ पे आज कुछ प्रोग्राम था, तो हमारे बगल में मिन्नत गोरखपुरी जी खड़े हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि साहब आज क्या प्रोग्राम था यहाँ पे हाथे में। सर, आप जान रहे हैं कि मुहर्रम जो त्यौहार है वो अभी सकुशल संपन्न हुआ है और गोरखपुर शहर के कुछ समाज सेवियों, विशेष रूप से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित श्री डॉक्टर रामचंद्र चौधरी जी और पार्षद धर्मशाला बाजार छत्तीलाल गुप्ता जी और फ्यूचर जनरली के ब्रांच मैनेजर अख्तर अली जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बहुत सारे समाजसेवी और तमाम लोग आए। यहाँ पर हमारे बीच गौतम गोरखपुरी जी युवा कवि हैं, अहमद रजा साहब इंजीनियर साहब मौजूद हैं और तमाम साथीगण यहाँ पर आए और उसका उद्देश्य यही था कि मियाँ साहब से मिल करके जिस तरह शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का ये पवित्र महीना खत्म हुआ है, जो त्यौहार है वो संपन्न हुआ है, उनको बधाई दिया जाए। पूरे शहर के लोगों ने अमन-अमान के साथ ये मुहर्रम का जो रवायती जुलूस था 350-400 साल का वो संपन्न कराया, तो उसके लिए हम सब एकत्रित हुए, उनको सम्मानित किया, उनके प्रति धन्यवाद किया और आवाम की तरफ से, गोरखपुर की जनता की तरफ से, वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, उनको बधाई दी और उनका शुक्रिया अदा किया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।